ये बात है 1998 की, जब पंकज त्रिपाठी थिएटर के साथ साथ एक होटल में काम भी किया करते थे ताकि उनका खर्चा निकल सके। उसी होटल में सत्ता मूवी के सिलसिले में मनोज वाजपेयी जी एक दिन के लिए रुकने आए, लेकिन जब वो होटल से निकले तो वो अपनी चप्पल रूम में ही भूल गए। वो चप्पल पंकज त्रिपाठी जी ने अपने पास ही रख ली। जब कुछ सालों बाद पंकज त्रिपाठी जी भी सफल हो गए और जब वो मनोज वाजपेयी जी से मिले तो उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में मनोज वाजपेयी जी को बताया और कहा कि उनकी चप्पल उन्होंने रख ली थी। तब मनोज जी ने कहा कि तुमने क्यों रख ली थी, तो पंकज जी ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। पंकज जी ने कहा कि वो मेरे लिए राम की पादुकाएं थी। इतना ज्यादा रिस्पेक्ट वो मनोज वाजपेयी जी को करते हैं। गाइस, आपको एक्टिंग के ये लिविंग लेजेंड्स के बारे में जानकर कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के एक समुद्री तट फेयरवेल स्पिट पर 50 व्हेल्स आकर फंस गई। वो तो किस्मत थी कि वहां पर व्हेल्स को बचाने के लिए बहुत से वॉलंटियर्स आ गए। सबसे पहले उन्होंने व्हेल्स को शांत किया, फिर उसके बाद अधिकतर व्हेल्स को समुन्द्र में पहुंचा दिया। लेकिन अद्भुत नजारा तब देखने को मिला जब जान बच जाने के बाद दो व्हेल्स गाना गाने लगी, और वो भी खुशी में। सुनिए गाइस, ऐसा अद्भुत नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस नजारे को देखने के बाद आपको कैसा फील हुआ चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया भर के करोड़ों फैंस के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, और ये बंदा भी अपने फैंस के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाता है। कैसे? हाल ही में यूरो 2020 मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहुंचे, उन्होंने नोटिस किया कि माइक के पास दो सॉफ्ट ड्रिंक की बोटल्स रखी हुई हैं। तो उन्होंने तुरंत उन सॉफ्ट ड्रिंक की बोटल्स को हटाया और कैमरे के सामने पानी की बोतल को पकड़ के ये कहा, ड्रिंक वाटर। हालांकि वो सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड पूरे टूर्नामेंट का ऑफिशियल स्पॉन्सर था, लेकिन इस बात की परवाह रोनाल्डो ने नहीं की और सही संदेश अपने फैंस को दिया। और ऐसा करके रोनाल्डो ने अपने फैंस में अपना विश्वास और मजबूत किया। गाइस, आपको रोनाल्डो की ये बात सुनके कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपने गौर किया हो तो महात्मा बुद्ध की तस्वीरों और उनकी मूर्तियों में उनके सिर पर घुंघराले बाल दिखाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो घुंघराले बाल है ही नहीं। हो गए ना हैरान? गाइस, पुरानिक मान्यताओं के हिसाब से बुद्ध भिक्षुओं को उनके तन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मुंडन करवाना पड़ता है, तो गौतम बुद्ध ने भी अपने सिर का मुंडन करवाया था, यानी कि उनके सिर पे बाल थे ही नहीं। लेकिन चिलचिलाती धूप में जब वो तपस्या करते थे तो 108 घोंगे यानी कि स्नेल्स ने उनके सिर को ढक लिया था ताकि इस कड़कती धूप में उनको हीट स्ट्रोक ना लगे। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप चार्जर के पिन के पास आपने ये सिलेंडर जरूर देखा होगा। क्या आपने कभी पूछने की कोशिश करी कि ये सिलेंडर क्या है और किस काम आता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। इस सिलेंडर को फेराइट बिड कहा जाता है, और इस फेराइट बिड सिलेंडर का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में से हाई फ्रिक्वेंसी नॉइस सिग्नल को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। गाइस, फेराइट एक सेरेमिक मिक्सचर है जिसको आयरन थर्ड ऑक्साइड और कुछ मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। अब ये सर्किट भी बेहद आसान तरीके से बनाया जा सकता है। सिर्फ इस सिलेंडर के चारों तरफ चार्जिंग वायर को लपेटना होता है और वो आसानी से नॉइस सिग्नल को फिल्टर कर लेता है। क्या आपको इसके पहले तक टेक्नोलॉजी का ये इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गूगल यूनाइटेड स्टेट्स की तीसरी ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बाद $1 trillion की वर्थ को छुआ है। बाय द वे, अगर आपको 1 trillion का अंदाजा नहीं है तो आप एक के बाद 12 0 लगाइए, आपको अंदाजा हो जाएगा। 1 trillion को 1 million million भी कहते हैं। अब गूगल कितनी पावरफुल है, इसे दिग्गजों की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलोन मस्क के अनुसार गूगल पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जिससे उन्हें डर लगता है। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस के अनुसार गूगल एक पहाड़ है जिसपे चढ़ा तो जा सकता है लेकिन उसे हिलाया नहीं जा सकता। गाइस, क्या आपको गूगल की पावर का अंदाजा था? चैट सेक्शन में जरूर लिखे।